अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? दिन कैसे जा रहे हैं? अभी तक आपने इस गरीब का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और ना अभी तक कोई वीडियोस देखी है, ना कोई लाइक कमेंट आया हुआ है मेरे जैसे गरीब बंदे के चैनल पर। तो यार, मैं तो जो भी वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए बनाता हूँ, और आप लोग देखते नहीं है। एक मिनट के लिए इधर आ जाके ना, 1 मिनट भी दे, 15 सेकंड के लिए आके स्किप कर जाते हैं। तो मुझे भी तो ज़रा सुनो ना, क्यों नहीं सुनते? मैं बातें करता हूँ ऐसे, इसलिए नहीं सुनते? बाकी जो यूट्यूबर है वो गंदी गंदी गालियाँ निकालते हैं, या एक दूसरे को वो करते हैं, टांड करते हैं, इसलिए आप लोगों को मज़ा आता है। मेरा जैसा यूट्यूबर जो होता है, जो अनस्क्रिप्टेड, जो बग़ैर किसी लिखाई के, बग़ैर किसी प्लान के, सीधा आपके पास आके वीडियो बनाता है और अपलोड करता है, आप लोगों को पसंद नहीं है। मैं जो बोलता हूँ, जो बात होती है दिल में, वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यही बात है ना? चलो कोई बात नहीं है, आप लोग ही बादशाह लोग हो, आपकी मर्ज़ी है। आप लोग ही पसंद करोगे तो हम आगे जाएंगे, अगर आप लोग ही नहीं देखोगे तो हम क्या चीज़ है। और बहुत से लोगों को आप लोगों ने हीरो बना दिया है, जो अभी देखते ही नहीं खुद को, कुछ समझते। तो ये हम लोगों के लिए सबक है कि यार, आप लोगों की कदर करनी चाहिए, और आप लोगों की कदर लाजमी होगी, अगर नहीं होगी तो हम आगे कैसे जाएंगे। यार आज जो वीडियो, पता नहीं कोई बात ऐसी नहीं है कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन मेरी ज़िंदगी के एक दो जो सबक है जो मैंने सीखे, कि वो एक बंदा अभी जो शायद अनवर के मुकाबले में निकल आया है, वो एक बात सही करता है कि यार, किसी को मछली खिलाने की देना दो, उसको मछली पकड़ना सिखा दो। तो एक बंदा था, तो वो मुझे क्या कहता था कि यार ये काम ना करो, ये ना करो, इधर आओगे तो ये होगा, ये करोगे वो हो जाएगा, ये होगा। और कहता यार मैं तुम्हें इधर ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। तो मुझे इस बंदी की बात अभी पता चलता है ना, कि वो बंदा चाहता था कि यार ये आगे ना जाए। तो यार अगर उसने मुझे आगे जाने से रोक दिया है, तो मेरा रिजक तो अल्लाह ने देखा था ना, मुझे वो रिजक पहुँच रहा है, लेकिन उसने अपना वो ज़ाहिर कर दिया ना कि उसके इंटेंशन क्या थे। तो हम लोगों को चाहिए कि यार, अगर किसी को स्टेबल करवाना है, उसको कामयाब करवाना है ना, तो उसको मछली पकड़ना सिखाना चाहिए कि यार आपने किस तरह ये कारोबार सेट करना है। अभी आजकल आप देख सकते हैं, जो भी बंदा बाहर होता है, आपका रिश्तेदार हो, जानने वाला हो, दोस्त हो, आप उसको कॉल करते हैं, यार ये वो कहेगा उधर, यार उधर तो काम नहीं है, बहुत मुश्किल है, ये है वो है, हालांकि उधर वो बहुत सेटअप होता है, सेट होता है आपको, क्योंकि आप उधर जाएंगे तो वो कहता है ये मेरे मत्ते पड़ेगा। तो और अगर आप खुद कोशिश करते और उधर जाते, आप देखते तो आप पता चलते यार इधर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये इसलिए नहीं बताते ना, हम लोग मन है सुल को, हम एक दूसरे के पाँव खींचने वाले, बाकी ममालिक में इस तरह नहीं होता, वो एक दूसरे को कामयाब करते हैं, क्योंकि उनको पता होगा अगर ये बंदा US जाएगा या कनाडा जाएगा, तो अगर कल मेरा कोई बच्चा भी आएगा या उधर जाएगा, यही सिस्टम होगा, तो ये उसका ख्याल रखेगा क्योंकि मैंने इसके साथ भलाई की। इधर ये नहीं है, इधर ये चाहते हैं कि ये ग़ुलाम ही रहे मेरा, जैसे हुकूमत हमें ग़ुलाम रखती है, फिर इस तरह की ये हम आवाम है, हुकूमत की इसमें कोई वो नहीं है, हम लोग ही गलत है। जब एक दूसरे के लिए नियत ही साफ नहीं होगी, भाई के लिए नियत साफ नहीं होगी, बस यार ये यही सिस्टम है, इसलिए हम नाकाम है। तो आज के लिए ये वीडियो थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें, और शुक्रिया।